Welcome to Assam State Zoo. The Assam State Zoo is located in the Hangarawari Reserve Forest in capital city, Guwahati in Assam. Also, you can now book your tickets online. For adult, it is 30 rupees per person. For children between 5 to 12 years, it is 10 rupees. And children below 5, it's absolutely free. Make sure to register your cameras if you wish to take them inside. The zoo closes at 4 p.m. and ticket booking is possible up to 3 p.m. तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है हुलक गिबन जो बहुत ही ज्यादा नॉइसी है। नैना कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? अच्छा। मजा आ रहा है? तो ये क्या है, क्या देख रहे हो अभी? जो मैं हूँ हुक्कू वो है ये, तुम हो, तुम्हारा तो दांत भी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम शुरुआत ही करते हैं हुलक गिबन से और फिर हम आगे धीरे धीरे चलते हैं और बाकी सारे जो है हम एनिमल्स देखते हैं। और इसके बगल में आपको एक पार्क भी मिल जाएगा जहाँ पे बच्चों को जो है आप लोग खेलने के लिए यहाँ पे ला सकते हो। काफी बड़ा सा पार्क है। तो अभी अभी जो है हम लोग हुलक गिबन देख कर आ रहे हैं और आगे चलते देखते हैं आगे क्या क्या है। तो दोस्तों थोड़ी सी और आगे चलते ही जो है आपको ऊपर चढ़ना रहेगा और ऊपर चढ़ने वाले रास्ते पर ही जो है दोस्तों आपको जिराफ देखने को मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर दो जिराफ्स हैं और काफी ज्यादा हेल्थी है, जैसे कि आप देख सकते हो वो हमारी तरफ ही वॉक करके आ रहे हैं। दे आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। अभी कोई ऐसा कोई ऐसा कोई जिलाप सुनने जिलाप आलो की देख तो आलो वालो बांदोल बांदोल आलो इखने की देख बा इखने हाँ एक टू जिलाप जिलाप देख सुन लायन लायन देख बा लायन लायन पाप्पी ऐसा ना लायन लायन देख छोटे छोटे खटा उगला देख बोला तो अभी शुरू हो जाता है बर्ड्स दोस्तों, जहाँ पे आपको जो है काफी अलग अलग स्पीशीज के बर्ड्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं सिल्वर फैसेंट। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्या क्या देखने को मिल जाएगा। शायद मैं जूम करके सारी चीजों को क्लियरली ना दिखा पाऊँ, सारी एनिमल्स को ना दिखा पाऊँ, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस जू में क्या क्या है और आप क्या क्या देख सकते हो जब आप इस जू में विजिट करोगे। ब्लू एंड येल्लो मखाओ, Aldabra giant tortoise, hill mynah, and lot many parrots as well. You can also find lovebirds and cockatiel. You can also see brown fish owl and some eagles as well. तो हम जब बर्ड सेक्शन को छोड़कर आगे चलते हैं तो इनके काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी सारे जो है रोड्स खुले हुए नहीं हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इधर से जाना फिलहाल मना है। तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमें और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो आगे हम लोग को देखने को मिल रहा है हिमालयन ब्लैक बेयर, ब्लैक पैंथर एंड टाइगर। तो यहाँ पर पर्शियन कैट एंड अलग स्पीशीज है जो हमें देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि सब अंदर है। दोस्तों असम जू स्टेट का एक खासियत है कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जो क्लाइमेट है और जो ये नेचर आप देख रहे हो दोस्तों ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है जब आप यहाँ पे आओगे। की देख ला सब कुछ देख ला आरोकी बाकी रखा की
কিগুলা দেখো কি কি কত সুন্দর পাটা পাটা আর পহলি বার আই হো কে ইয়াহ পে আইসক্রিম খানা নেই মানে জু মে পহলে ভি এক বার গই কোন সে কাপ কি জু পে তুফানগঞ্জ তো ইয়ে আচ্ছা কি বো আচ্ছা ইয়েহি ভালো আচ্ছা ওহা পর জাদা কুছ নেই থা আর জো চিতা থা ও সিলফ সোতেই রাতা থা সারে ওকে और ये है एक बर्ड्स का जो हैबिटेट। यहाँ पे काफी सारे बर्ड्स हैं, अंदर हमने देखा है बहुत सारे पैरट्स हैं। तो ये खुला हुआ नहीं है, इसके अंदर इनको रखा गया और फिर इधर भी बंद है। और फिर इधर से भी एंट्री प्रोहिबिटेड है। होपफुली ये लोग फ्यूचर पे जो खोल दे, क्योंकि देख सकते हो कितना सुंदर है आगे की ओर। एक्चुअली हम लोग थक गए हैं और इतने सारे एनिमल्स बाकी हैं। लेट्स सी कि हम सब कवर कर पाएंगे या नहीं। और फिर इधर से भी बंद। तो ये सब जो है अंडर कंस्ट्रक्शन पर है। अब हम एंट्री कर रहे हैं भालू के जगह पे। और यहाँ से जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको कॉमन लेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इट्स बिन लाइक 2 आवर्स जू में हो चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट थक चुके हैं। तो उधर का जो पार्ट हमने स्किप कर दिया और हम डायरेक्टली नीचे जा रहे हैं और नीचे से जितने भी एनिमल्स हैं वो देख लेंगे और फिर इस जू से जो है हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। दोस्तों ये जू जो है एकदम नेचर के बीच में, आपको पहाड़ और आपको बहुत सारे पेड़, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला जब आप एसएम स्टेट जू पे विजिट करोगे। अब देख लेते हैं कुछ क्रोकोडाइल्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें थी जो हमने स्किप कर दिया और हम टूवर्ड्स एग्जिट की ओर जा रहे हैं। अभी मैंने विजिट किया था मंथ ऑफ जनवरी में और आप देख सकते हो कि बहुत ही पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं। और ऑन द वे में हमें ईमू देखने को मिल गया। बहुत सारे ईमू है जो इधर उधर घूम रहे हैं, काफी सारे हैं यहाँ पे। इसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बिल्कुल डायनासोर के जमाने के जो पक्षी रहते थे बिल्कुल वैसा लग रहा है। और दोस्तों अंत में हम पेलिकन देखते हुए इस जू से एग्जिट लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप असम विजिट करते हो तो असम स्टेट जू को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चाहे आप कहीं और से विजिट करके क्यों ना आए जू, लेकिन असम स्टेट जू की जो बात है वो कुछ और ही है। ये पहाड़ पे है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको कितना ज्यादा मजा आने वाला है यहाँ पे आने के बाद। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेशन है कि आप अगर असम आते हो तो गुवाहाटी के इस असम स्टेट जू को जरूर विजिट कीजिए।